अध्याय 10। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 12 प्रेतियों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते प्रचार कर कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पटुकों में न सोना न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। जब तक वहां से न निकलो, उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने, उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को या ना कहेंगे, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में दो गरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी
अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा।